हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मेरी मम्मी आई थी मीन का सामान लेके। मेरठ में होली के त्योहार को जो सामान आता है उसे मीन कहते हैं, तो वही मीन वगैरह का सामान लाई थी मम्मी। तो वही सामान आपको दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी क्या क्या लाई थी। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। सबसे पहले हम छोटे से शुरू करेंगे, परिजी से। ये मेरी गुड़िया, ये री, ये री, ये री, ये री लड्डू है ना। एक मिनट बेटा, चलो परिधि प्यांशी कह रही है पहले मेरे से, तो पहले परिधि का कैंसिल करते हैं, तो प्यांशी की दिखाते हैं पहले। तो प्यांशी को कपड़ों का बहुत शौक है, वो पहले ही खोलने में लगी पड़ी है। तो ये देखिए, पहले सबसे पहले इसके इसकी नानी इसके लिए दो जोड़ी कपड़े लाई है। एक तो ये है इसके लिए फ्रॉक, ये देखिए गाइस सही से ये देखो भाई। एक मिनट पहले एक तो दिखाने दे मुझे। ये देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है ना, जीन्स के कपड़े में काफी अच्छी लग रही है। देखो गाइस, ओ ये काफी अच्छी जीन्स लगी, मतलब अच्छी फ्रॉक लगी मुझे। मैं सोचा आप लोगों को जरूर शेयर करूँ मेरी मम्मा क्या क्या लाई है। वैसे भी माँ जितना भी कर ले उतना ही कम है बेटी के लिए। और दूसरे कपड़े में दिखाती हूँ इसके, ये है चुन्नी, चुन्नी पहले दिखा रही हूँ मैं। और ये है सूट, फ्रॉक सूट है ये, फ्रॉक प्लाजो वाला सूट, ये है फ्रॉक प्लाजो वाला सूट। नहीं शरारा सूट है ये, हाँ शरारा सूट है, सॉरी। ये इतने पहन के दिखाएगी आपको, तो प्यांशी पहन के दिखा दो गाइस को, है ना, इतना कपड़े काफी सुंदर है मगे? तो इतने प्यांशी पहन रही है, तो इतने मैं और कपड़े दिखा देती हूँ आपको। प्यांशी उतार के पहनो बेटा। तो ये है गाइस मेरा सूट, ये देखिए कितना प्यारा सूट है ये, मैंने ही पसंद करके रखवाया था मम्मी से। वाओ परिधि बोली वाओ। तो गाइस ये है प्लाजो वाला सूट, काफी सुंदर लगा मुझे बहुत ज्यादा। तो ये देखिए आप, नो रुक जाओ, ये देखिए गाइस कितना सुंदर सूट है। और देखते हैं किस कम मेरे को इसका पहनने का वो मिलता है। बहुत सुंदर लगा मुझे ये वाला सूट, किसी त्योहार वगैरह में ना, तो इसको मैं बाद में तय करूंगी क्योंकि वीडियो हो जाएगा ज्यादा लंबा। तो अभी के लिए ये चुन्नी है इसकी, और ये है प्लाजो, प्लाजो है इसका। ये देखिए काफी सुंदर कपड़े हैं मेरे, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं अपनी मम्मी के। गाइस भाई जी नो नो। और गाइस ये है मेरी एक साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा मिर्च जी के लिए, और ये मेरी लिपस्टिक, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ बहुत सारी चीजें हैं इसमें मेरे लिए, नेल पेंट। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, तो खोल के दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से मतलब पसंद आएंगे मेरे कपड़े। तो ये है मेरी, ये देखिए ये बनारसी साड़ी है मेरी, बनारसी में है ये साड़ी, काफी सुंदर लगी मुझे ये। देखती हूँ मैं इसको होली पे तैयार करवा सकती हूँ, होली के दिन बचे नहीं है लेकिन मुझे ये जल्दी से तैयार करवानी पड़ेगी। फिर ये देखिए गाइस बनारसी लुक है ये, देखा ही होगा आपने बनारसी बॉर्डर पर, ये सुंदर लग रही है ना। तो ये साड़ी हम तैयार करवाएंगे ना, और इसके साथ है इतने प्यारे ये कड़े, मुझे बहुत सुंदर लगे। ये देखिए गाइस, ये देखो गाइस कड़े कितने प्यारे लग रहे हैं इसके, ये मुझे बहुत सुंदर लगे। ये देखो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर है। इसके मतलब बीच में चूड़ी वगैरह डाल लो तो ये और भी सुंदर हो जाएगा। एक सेकेंड, और ये श्रृंगार का सामान है मेरा कुछ, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, क्लचर, और ये पुनीत जी का पैंट शर्ट का जोड़ा। गाइस मैं पहले आपको दिखा देती हूँ प्रियांशी ने कपड़े पहन लिए। प्रियांशी इधर आ जाओ दिखा दो, ये देखो गाइस पीछे हो जाओ, पहले पीछे हो थोड़ा सा और। तो गाइस अभी ये प्रियांशी ने सूट पहन के दिखाया, इन गरी मैं गाइस को दिखाऊंगी सूट पहन के। तो प्लीज इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना इन बच्चों के लिए प्लीज। तो गाइस मेरा हो गया, पुनीत जी का हो गया,
प्रियांशी का हो गया और हाँ पापा। तो अब परिधि का दिखाते हैं। परिधि के भी दो जोड़ी कपड़े हैं। जो मैंने सूट दिखाया था ना, वो मेरा बर्थडे था 18 फेब को, तो बर्थडे का गिफ्ट दिया मम्मी ने मुझे वो। अब ये देखो गाइस कितनी प्यारी फ्रॉक है परिधि की, बहुत प्यारी लगी मुझे ये वाली भी। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे ये सारे कपड़े, काफी सुंदर है, बहुत प्यारे बहुत प्यारे। वाओ ये परिधि होली पे पहनेगी है ना? मैं भी होली पे पहनूंगी। दीदी होली पे पहनोगे? हाँ। ठीक है गाइस, परिधि कह रही मैं होली पे पहनूंगी। एक जोड़ी बड़े परिधि के कपड़े ये हो गए। अब दूसरे कपड़े देख लीजिए आप, ये देखिए, ये है टॉप, ये है स्कर्ट, काफी सॉफ्ट स्कर्ट है ये, मतलब बहुत प्यारी लगी मुझे। ये देखो गाइस, ये देखो, वाओ परिधि कह रही वाओ। अब हमारा चारों का हो गया है। अब मैं दिखाऊंगी मम्मी जी के और पापा जी के कपड़े, ठीक है? तो गाइस ये है मम्मी जी की साड़ी, जयपुरी में है ये, बहुत सुंदर साड़ी लग रही है ये भी मुझे। आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ, मैं दिखाती हूँ अभी उठ के। ये दादी की साड़ी, ये देखिए गाइस कितनी प्यारी साड़ी लग रही है ना, इसमें ना अलग अलग कलर है, ये देखिए बहुत सुंदर लगी मुझे भी। ओए दादी शाही, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कितनी प्यारी लग रही है ना, इसमें थोड़े सा लेस का काम भी है ना चौड़ा, काफी सुंदर लग रहा है मुझे। और कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये है पैंट शर्ट का जोड़ा, पैंट शर्ट का कपड़ा, मतलब हस्बैंड के लिए होता है ना जो, मतलब पापा के लिए पैंट शर्ट का, प्रिंस जी के लिए भी पैंट शर्ट का ना। और इसमें कुछ सामान वगैरह भी है, श्रृंगार का, ये नेल पेंट, ये लिपस्टिक, बिंदी, काजल और बैंगल्स भी है, तो ये सब है। और इनके ऊपर मतलब पैसे भी रख के दिए मम्मी ने, 100 रुपीज इसके साथ। वाओ दादी शाही, हाँ वाओ दादी शाही। और पापा जी के अलग पैसे दिए हैं 100 रुपीज, हमारे अलग पैसे हो गया। हमारे कपड़ों का खत्म हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ मेरी मम्मा खाने के लिए, खाने में क्या क्या लाई थी। तो मेरी मम्मा लाई थी 2 किलो गुजिया, 1 किलो लड्डू और आधी किलो वाला मक्खन का पूरा वो लाई थी मम्मी, यहीं से खरीद लिया था। 1 सिक्के की टिक्की लाई थी और 200 रुपये मैगी के दिए थे मम्मी ने बच्चों के लिए। और हम लोगों को विदाई दी है मम्मी ने, बच्चों के दिए थे 100 रुपीज। और क्या दिया था, और बच्चों के लिए पिचकारी, बैलून, उन सब के पैसे दे दिए मम्मी ने हमें। और बास्केट में आपको दिखाती हूँ अभी, बच्चों की जो बास्केट है वो दिखाती हूँ। और आपको मैं और भी चीज़ दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें अभी और मिली है मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने भी नहीं देखी, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी अपने साथ ही।